भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या आझादी का अमृत महोत्सव या संकल्पनेतून आयोजित आयकॉनिक वीक दरम्यान भारतीय कस्टमने तळोजा येथील मुंबई वेस्ट मॅनेजमेंट येथे ड्रग डिस्ट्रक्शन या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. या दरम्यान 1064 किलोग्रॅम मॅथेम्फेटॅमाईन, 238 किलोग्रॅम मॅफेड्रोन, 483 किलोग्रॅम इफेड्रीन आणि 204 किलोग्रॅम मेड्रॉक्स हे अंमली पदार्थ आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थांची विल्हेवाट लावत नष्ट करण्यात आले. यावेळी एकूण 2043 किलोग्रॅम वजनाचे एकूण ड्रग डिस्ट्रक्शन करण्यात आले असून त्यांची बाजार भावाप्रमाणे किंमत तब्बल 215 कोटी इतकी आहे. तो हम लोगों को NDPS कोर्ट के पास जाके उनसे परमिशन लेनी पड़ती है. ये कुछ केसेस में NDPS कोर्ट यू भी कहता है कि हम आपके जो ड्रग्स हैं वो मजिस्ट्रेट के सामने डिस्ट्रॉय किए जाए. तो एज हर एक ड्रग को डिस्ट्रॉय करने में 3 से 6 महीना कम से कम लग जाता है सीजर के बाद. तो जो जो हमारे ड्रग्स सीज होते जाएंगे वो हमेशा समय समय पर हम लोग उसको डिस्ट्रॉय करते रहे कि इस प्रयास में हमारा सहयोग करें. धन्यवाद. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश. पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि.